लेकिन यहाँ तो मेरे अजीजो अल्लाह अकबर दुल्हन को बाद में देखते हैं, पहले ए वेख दे प्यो दे घर तो कह लेके आइए। फर्नीचर को ना देखा करो, जूसर मशीन को ना देखा करो, और मेरे अजीजों ईरान दुबई के गद्दे ना देखा करो, बल्कि देने वाले बाप का चेहरा देखा करो। अपनी बेटी का जहेज तैयार कर करके जवान के ऊपर भुड़ा पा गया है, ये देखो। बीवियों के साथ बदतमीजी करने वालों, सास ससुर को गाली देने वालों, तुझे पता ही नहीं है अल्लाह अकबर, ये बहनों के भाई हैं, ये बेटी का बाप है। अगर ये बहनों के भाई ना होते, ये बेटी का बाप ना होता, रब्बे अकबर की कसम है तेरे जैसे अलल्ले थलल्ले को अपने जैसे अपने आगे खड़ा ना होने देता। ये बेटी का बाप है, चिट्टी बग्गी दाढ़ी वाला है, इसलिए तेरे सामने अपना सर झुका के खड़ा हुआ है। मैं बरातियों से नहीं कहूंगा, बरात ले जाने वाले ड्राइवरों से कहूंगा, गाड़ियों से कहूंगा, तुम्हारा वास्ता ही क्या, तुमने गाड़ी किराए पे दी, तुम्हें किराया दे दिया गया, रोटी का तो तुम्हारे से वादा ना किया था। अगर तुम्हारे डोंगे में सालन खत्म हो जाए, चमचे बजा बजा कर लड़की वालों का मजाक ना उड़ाया करो। अगर ये दिन आज तेवी के ऊपर आया, रब्बे अकबर की कसम कल तेरी बच्ची के ऊपर ये दिन आने वाला है। आज ये मजाक तो सह जाएगा, बर्दाश्त कर लेगा, कल जब तेरी बेटी की बारात में चमचे बजेंगे, रब्बे अकबर की कसम तेरे से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक आदमी का कार्ड पर दावत लिखा हुआ, एक आदमी का, दो गार्ड लेके जा रहे हो, ड्राइवर लेके जा रहे हो, बेटे को साथ लेके जा रहे हो, अल्लाह अकबर मोटर साइकिल चला के जा रहे है, बेटे से कहो मुझे यहां उतार दे, खबरदार खबरदार तू अंदर ना, तेरे दो रोटियों की वजह से किसी गरीब की इज्जत का जनाजा ना निकल जाए, तू दो रोटियां नहीं खाएगा, होटल पे जाके 200 रुपए की रोटी खा ले, क्या पता तेरी दो रोटियों ना खाने की वजह से गरीब की इज्जत बच जाए। एक 100 आदमियों का इंतजाम होता है, जब शादी हाल में 100 के बजाय 250 आ जाते हैं, रब्बे अकबर की कसम है, जब तक बेटी ब्याह ना जाए, रुखसती ना की जाए, बाप के स्पाथे से पसीना ही खुश्क नहीं होता है। ये काम कर, ये सीरत है। हमने सीरत का मतलब ही कुछ और समझा। لقد كان لكم في رسول الله اسوۃن حسنۃ, अगली बात आपको बतलाऊंगा। और मेरे चांद, हमारे यहाँ राणे भी हैं, मलक भी हैं, कंबों भी हैं, अराई भी हैं, हराज भी हैं, हर कौम का बैठा हुआ है, हर कौम का अपनी अपनी बरादरी का रस्म रवाज है। बेटी को जहेज मैंने दिया, वरते की मेरी बेटी, देने वाला बाप है, देने वाला भाई है, क्या जरूरत है ऐलान करवा करवा कर मस्जिद में बुलाकर, ऐलान करवा कर हाजी के डेरे पर, नंबरदार के डेरे पर, इस जहेज को सजाने की, तुझे पता ही कोई नहीं, जब तेरी बेटी का जहेज गरीब देखता है, उसकी इज्जत का तो उसी वक्त जनाजा निकल जाता है। छल्ली बेचने वाला, भुट्टा बेचने वाला, अपनी रेड़ी को घसीट कर शाम अपने घर आया, घर का मंजर सुना सुना लगा हुआ, कमरे की लाइटें बंद है, बीवी से पूछना क्या हुआ, मौत मैयत नहीं नजर आ रही, जनाजा नजर नहीं आ रहा, क्या बात है, क्या लगा, कहने लगी आज जनाजे से बढ़कर काम हो गया, क्या हुआ, क्या सुबह से तेरी जवान 22 साल बेटी जो रोजाना दरवाजे की तरफ देखती है, कोई मुझे ब्याहने के लिए आएगा, ये इसका सवाल नहीं करेगा, पैसे का सवाल नहीं करेगा, कितने दिन गुजर गए, रातें गुजर गई, अल्लाह अकबर सिसकियों के साथ बर्दाश्त करके जिंदगी गुजार रही है, क्या इसका कमरे की लाइट से क्या ताल्लुक है, इसका बिस्तर पे लेटने से ताल्लुक क्या है, क्या खुद ही जाके पूछ ले, जवान मेरे बेटी के पास बाप गया, उसके ऊपर से चादर हटाया, देखा मोटे मोटे आंसुओं के साथ तकियों को गीला कर रही है, ये नहीं पूछा पेट में दर्द है, ये नहीं पूछा सर में दर्द है, कह लगे हाँ हाँ मुझे पता लगा, आज फिर किसी अमीर की बेटी का जहेज दे के आई है। आज से 1400 साल पहले भी एक निकाह हुआ था, जिसके बराती आमनी आसमान के फरिश्ते बरात के अंदर आए थे, आज
आज से पहले मेरे अजीज और निकाह हुआ था, जिस दुल्हन की डोली उठाने के लिए आसमान से फरिश्तों का नुजूल हो गया था, ये कौन है? सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अल्लाह अकबर। जब रुख्सती का वक्त आया, इधर से नारा हैदरी का ऐलान हो रहा था, आओ तुम्हें अली का घर दिखाओ, तुमने अली को फानों में सुना, तुमने अली को मेरा अजीज ख्वाबों में सुना, तुमने अली को नातों में सुना, तुमने अली को तकरीरों में सुना। 7-8 दिसंबर को नहीं बल्कि 14-15 दिसंबर पिछले साल में अली के मकान में 4 घंटे बैठ के आया हूं। जिस मस्जिद में, जिस मेहराब में हजरत अली को जख्म आया था मैंने, उसी तरह वो मौजूद है कूफे की जामे मस्जिद। अल्लाह, यहां से लेकर यहां तक चौड़ाई होगी मकान की 6 कमरे थे अली के मकान में, उम्मुल बनीन का 1 कमरा, हजरत अब्बास बेटे का 1 कमरा, हसन हुसैन का 1 कमरा, रुकैया अम्मा का 1 कमरा, हजरत जैनब उम्मे कुलसूम का 1 कमरा। ये कमरे बने हुए थे, 1 कमरे के अंदर पानी का कुआं बना हुआ था। मैंने कहा उस वक्त कोई इंजीनियर नहीं था, उस वक्त कोई आर्किटेक्टर नहीं था, कोई ठेकेदार नहीं था, कोई काबिल मिस्त्री नहीं था, जिसने अंदर कमरे के अंदर कुआं बना दिया। मेरे कंधे पे थापी मार के मंदूब कहने लगा, मौलाना ये मकान तेरे बाप का नहीं था, ये मकान अली उल मुर्तजा का था। अली उल मुर्तजा ने बेटियों की गैरत को देखकर, बेटियों के हया को देखकर पानी का कुआं ही अंदर बना दिया। अगर मेरी मौजूदगी में पानी मैं भरूं, अगर मैं ना तो मेरी बेटियों को पानी का गिलास भरने के लिए बाहर कदम निकालने की जरूरत ना हो। अल्लाह अकबर। ये इतनी गैरत वाली बेटियां थी, पानी का इंतजाम अंदर कर दिया। अगर पानी लेने के लिए मेरी धी, मेरी बेटी, मेरी बीवी बाहर निकल गई, किसी की नजर पड़ गई इनके चेहरे, इनके वजूद के ऊपर, तो इस्लाम की गैरत का जनाजा निकल जाएगा। इधर कोई शाने सिद्दीक अकबर कह रहे हैं, इधर शाने फरूक आजम कह रहे हैं, उधर कोई नारा हैदरी नारा लगा रहे हैं। लगाओ, डट डट के लगाओ, वज वज के लगाओ, हंस हंस के लगाओ, अपने ईमान की ताकत के साथ लगाओ। लेकिन माजरत के साथ मेरे प्यारो और मेरे लाडलो और मेरे चांदो, मैं माजरत के साथ पूछूंगा, जिस अली का अबू बकर का नारा लगाया, क्या वो अली तुम्हें तुम्हारे घर के अंदर या तुम्हारे किरदार के अंदर, तुम्हारी जिंदगी के अंदर, तुम्हारे बाजार के अंदर? 70 साल हो गए, क्या अली आज तुम्हारे बाजार में भी नजर आ रहा है? सिद्दीक की सदाकत से वाकिफ कौन है? कोई मेरा ऐसे अजीजों नहीं है जो सिद्दीक की सदाकत से वाकिफ ना हो, उमर की अदालत से वाकिफ ना हो, शानों वाले उस्मान की हया से वाकिफ ना हो, हजरत अली की बहादुरी शुजात से वाकिफ ना हो, हुसैन की शहादत से वाकिफ ना हो, मुआविया की सियासत से वाकिफ ना हो। लेकिन ईमानदारी की बात है मेरे अजीजों, जितने खेलने वाले, कूदने वाले, नंगे पतंगे कपड़े उतारने वाले क्रिकेट के खिलाड़ी तुझे मुझे याद है, उनका किरदार, उनकी पसंद डिश याद है, उनका लिबास तुझे याद है? नहीं तुझे याद। खुदा की कसम, हुसैन नबी के नवासे का किरदार याद कोई नहीं। हर गली में गुलाम में हुसैन नजर आएगा, हर गली में गुलाम में अबू बकर नजर आएगा, हर गली के अंदर गुलाम में उमर नजर आएगा। खुदा की कसम, नाम शनाख्ती कार्ड पे नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी जिंदगी के अंदर, किसी की जिंदगी में, किसी के वजूद में नबी के गुलामों का किरदार ही नजर कोई नहीं आ रहा है। सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब रुख्सत हुई, पता रसूलल्लाह ने क्या जहेज दिया था? कौन सी दो औरतें थी जिन्होंने फातिमा की डोली घर जाकर सेज सजाई थी? जब तक सेज तैयार ना हो, दुल्हन अपने कमरे में नहीं आती,
फूलों से सजेगी, चनियोट के फर्नीचर से सजेगी, मेलसी की आला फर्नीचर वाली दुकान से फर्नीचर लिया जाएगा, एसी भी लगेगा। अल्लाह अकबर, आपने दो औरतों को जनाब उम्मन उम्मे अहमद रजी अल्लाह तआला ना अस्मा बिनत उमैस रजी अल्लाह तआला अन्ना को भेजा, फरमाया जाओ अली के घर में देख के आओ मेरी बच्ची का बिस्तर कैसा बनाया। ये दो औरतें आके रोने लग गई, कहने कमली वाले बिस्तर तो दूर की बात है, अली के घर के अंदर वेड़े मेंटे भी पूरी कोई नहीं। यूनिका मेरी कुड़ी नु बंदे बड़े ते तेनू कुड़ियां बड़ियां, जा जा चला जा। ना ना, आपने लाल मट्टी का तोड़ा उठवाया बोरा और दोनों बीबियों से कहा जाओ फर्श को हमवार करके आओ। दोनों ने गारा बनाकर फर्श की लिपाई की, दो खूंटियां कपड़े उतारने टांगने की लगाई, तब आकर रसूलुल्लाह से अर्ज की लाल रंग की मट्टी से हमने फर्श तैयार कर दिया, मोहम्मद तेरी धी के रहने का हमने इंतजाम कर दिया। दो गद्दे जिनमें खजूर के पत्ते भरे हुए थे, एक पानी का मस्कीदा, दो पानी के मटके, एक कुराने पाक मेरे अजीजो, एक मुसल्ला दे के रुखसत किया और 17 पेवंद वाला दुपट्टा सर पे उड़ाया जिसमें 16 पेवंद कपड़े के, एक पेवंद चमड़े का लगा हुआ था। बेटी के सर पे का, ऐ मेरी बच्ची दुनिया का जहेज तो ने दर्ज का, कयामत के दिन इस हालत में आ जाना, जन्नती औरतों की सरदारी का ताज मैं तुझे अपने हाथों से पहना दूंगा। दो अपनी बेटियों को जाके सबक, जो बाप की हलाल कमाई का, भाई दुबई में पैसा कमाए 50,000 रुपए का, एक घंटे के अंदर जो जोड़ा पहनती है बाप की कमाई का बेड़ा गर्क कर देती है। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक शगिर्दा आपकी खिदमत में आई, मुखड़े मुस्तफा देखा, रहमत वाले नबी ने फरमाया क्या बात है। कहले कमली वाले मेरा दिल चाहता है आप मुझे अपने निकाह में ले लो, अपना नाम दे दो शादी कर लो। हुजूर ने फरमाया मुझे हाजत नहीं। बड़ी मायूस हुई, आपने फरमाया अगर तू चाहे मैं तेरे लिए अच्छे लड़के का इंतखाब कर दूं। कहने लगी जी नेकी और पूछ पूछ। आपने मजमे में ऐलान किया, आपने फरमाया कोई है जिसका अभी तक निकाह ना हुआ हो, शादी ना हुई हो। सारा मजमा बैठा, एक जवान उठा, पैसा तो दूर की बात है, तहमत के अलावा उसके पास कुर्ता भी कोई नहीं। अल्लाह के नबी मुझे शादी की हाजत है। आपने उस बेटी की तरफ देखा, साहबिया इससे करेगी? सुभान अल्लाह। हुजूर को कहने लगी मेरे से ना पूछो, आपको पसंद है? आपने फरमाया हाँ। फिर देर किस बात की, अगर आपको पसंद तो फिर मुझे भी पसंद है, मकाओ का। या तो माँ बाप की ख्वाहिश को खाला ही ठुकरा देती हैं, फुफियां ही कान भर देती हैं, नहीं मैं तेनू दसा बेशक तेरा प्यो करदा पिया, ना ना मेरी गल मन पछतावेंगी। चाचे दराड़े डालते हैं, रिश्ता देखने के लिए आए, चाचे ने बुलाओ, मामा जब तक नहीं आवेगा हाँ नहीं करांगे। चाचे मामे ताए आ गए, कितों रिश्ता है, कौन लेके आया? अच्छा 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 ठीक है, जाओ चाह तू चाहे क्या हो चाह लेके। भाई चंगी तरह सोच समझ के करे, जे कल नो से जिम्मेदार कोई नहीं, बस इतनी आग तीलनी काफी थी। खुदा की कसम हंसते बसते घरों के अंदर हंसी हंसी में जनाजा निकल जाता है। सीरतुल नबी में तुझे पैगाम देके जा रहा हूं, खुदा तेरे बच्चों को सलामत रखे, लेकिन किसी की बेटी को गरीबी पर, किसी की बेटी को बदसूरती पर उंगली उठा के ना कहना हमें तुम्हारी दी पसंद नहीं आई। ये जुमला इतना कड़वा है, खुदा की कसम बाप को कब्र के अंदर पुचा के रख देता है। जसरा दी वे बुजुर्गो है तो सोनिए सारिया, ये सीरत है, पढ़ो इसे, ये भी सीरत है। हलीमा की गोद में चले गए, आमना की गोद में आए, बद्दुआ का, ये भी सीरत है, लेकिन ये बचपन की सीरत है, बुढ़ापे की सीरत आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। हाँ वही, इसका मैं वकील हूं, तैयारी कर। उन्होंने कहा अगर उसके वकील हो तो मेरे भी वकील बनो। तेरा वकील क्या बनो? माँ कोई नहीं, बाप कोई नहीं, रिश्तेदार कोई नहीं, मैं भी अकेला, सब कुछ मैंने तेरी मोहब्बत में कुर्बान कर दिया, यहां तक के तन के कपड़े भी तेरी गुलामी में छोड़ के आ गया। अगली गल करो, अब मैं इससे क्या बात करूं? आपने फरमाया तेरे पास कोई हक मेहर है, किसी रिश्तेदार से लिया,
कह लगे उन्होंने मुझे तो कुर्ता नहीं दिया, हक मेहर के पैसे कौन देगा। आपने फरमाया सोने चांदी का टुकड़ा का वो भी कोई नहीं, लोहा पीतल का टुकड़ा वो भी कोई नहीं, अब भी करेगी। उन्होंने कहा आपने हां कर दी तो ना मेरी कोई नहीं, बस हो गया जो हो गया। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत फरमाया, कपड़े अपनी लुंगी धोती का पल्लू पकड़ा, ऐ जी मेरे को ले। आपने फरमाया ये तो पेमेंट वाली है, ऐसा कर पर्दे में जाके जो सही सलामत है हिस्सा वो उतार दे, काट दे, बाकी बांध ले। उनका जी क्या करे, फरमाया ये कपड़ा है तहज्जुद का मुसल्ला भी छा के नमाज पढ़ेगी, बैठना होगा गद्दी बिना के बैठ जाएगी। कह लेंगे यार रसूलल्लाह जो फट है आज निकल किस जाएगा, पहनने के काबिल नहीं रहेगा, ये बच्चा हुआ इसको तहमत बनाऊंगा, अगर ये काट के दे दिया तो मेरा नग कौन छुपाएगा। आपने फिर फरमाया निकाह करेगी, कमली वाले देर किस चीज की। आपने फरमाया पढ़ा दू कपड़ा दो, आ गया। फरमाया कपड़ा तेरे पास नहीं, सोना चांदी तेरे पास नहीं, कपड़ा लत्ता तेरे पास नहीं, अल्लाह इधर मेरे पास आ जा, आ गई। फरमाया मैं ओ जवान निकाह करने का ख्वाहिशमंद है, कजी फरमाया तेरे पास कुछ नहीं करना, का तुझे कुछ कुरान याद है, अल्लाह अकबर, करोटी पास नहीं, खाने वाला बर्तन पास नहीं, मंजी पास नहीं, बिस्तर पास नहीं, लेकिन सूरह रहमान मुझे आती है, सूरह तगाबुन मुझे आती है, सूरह वाकिया मुझे आती है, सूरह यासीन आती है। आप दोनों के दरमियान बैठ गए, इधर दुल्हन इधर दूल्हा। रहमत वाले नबी ने इरशाद फरमाया ए बेटी जितना इसे कुरान पाक याद है, अगर वो सारा कुरान तुझे याद करा दे इसका निकाह हो जाएगा, कुरान की आयतों में हक मेहर अदा हो जाएगा, अब निकाह पसंद करेगी। रब अकबर की कसम है, पता उस बेटी ने क्या कहा, कयामत तक आने वाले जहेज देने वालों का मुंह तोड़ के रख दिया, मुस्कुरा के कह लगी ओह लोगों मुझे मुबारकबाद दो, दुनिया की औरतों को माल मिल गया, मेरी झोली में आमना का लाल मिल गया। जिंदाबाद। पता था माल की हकीकत कोई नहीं, माल की मुजम्मत माल की औकात याद दिलाई कि ये माल है, कयामत के दिन इसका सवाल तेरे मेरे से किया जाएगा, छटना नहीं इस माल ने हमें, जिसको आज हम नहीं छोड़ते ये माल अगर हराम का हलाल का नहीं तो कयामत के दिन हमें नहीं छोड़ेगा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा के पास अपने दौर में 12,000 दिरहम भेज दिए, 12,000 रुपए उस वक्त दिरहमो दिनार। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद अबू बकर रजी अल्लाह तआला नु अज़वाजे मुतहरात का खर्चा उठाया करते, सैयदना सिद्दीक अकबर आपकी वफात के बाद हज़रत उमर का दौर आया, हर महीने हर माई के घर 1,000 रुपया जाता। हजरत उमर की समझ में आया कि अम्मा आयशा बड़ी सखी है, सारा माल सदका कर देती है, पता नहीं 1,000 रुपए में उसका गुजारा होता है ना हो। आपने पूरे साल का 12,000 का खर्चा भेज दिया। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला ना की जब खिदमत में ये 12,000 दिरहम दिनार की गठड़ी खातम लेके आई, आपने पूछा बता बीबी ये तेरे पास कहाँ से आया, कर तेरे बेटे उमर ने पूरे साल का खर्चा दे दिया। पता है अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला ना ने बर्तन नहीं मंगवाया, ताले वाली अलमारी नहीं मंगवाई, गद्दा बिस्तरा नहीं मंगवाया, बल्कि अपनी खादिमा से कहा जल्दी कर चादर लेके आ। खादिमा चादर लेके आई, जल्दी से चादर को खोलकर अपने और गठड़ी के दरमियान यूं करके पर्दा डाल दिया। अल्लाह अकबर, खादिमा कहने लगी ये क्या हुआ, आपने सोना चांदी जो आपका पैसा दिरहमो दिनार है इस पर आपने पर्दा क्यों डाल दिया। कह लगी तुझे क्या बताऊं, इस गठड़ी माल को देखकर मुझे आमना के लाल का चेहरा याद आ गया। तो कहने लगी बीबी बर्तन ले आया है, कटवाट है, हाथ नहीं लगाऊंगी, देखूंगी नहीं, जा दरवाजे पर रख के सदका कर दे। वो कहने लगी अम्मा इतनी नफरत क्यों। फरमाया जब से रसूलल्लाह के घर में डोली में बैठ के आई, माँ बाप ने दुआएं दे के भेजा, मैंने बड़े बड़े हालात देखे, एक रात जैसी रात नहीं मुझे भूलती।
मुझे पता था कितने दिल की भूख लगी हुई है। घर के अंदर तशरीफ लाए, शर्म के मारे हैं, मैं अपनी चादर अपने ऊपर ओढ़ के सो गई ताकि ऐसा महसूस हो जैसे बड़ी देर से सो रही है। मुझे उठाएंगे, पूछेंगे रोटी पानी है तो मैं क्या जवाब दूंगी। इस शर्मिंदगी ने मुझे बिस्तर पे डाल के रख दिया। सरकारे दो आलम तशरीफ लाए, पर्दा हटाया तो मैंने चादर ले रखी थी, मेरी चादर में एक सुराख था। मैंने उस सुराख को अपनी आंख के हाले के पास रखा हुआ ताकि मैं अपनी आंख से सारा मंजर देखती रहूं। क्या करेंगे, ठुड्डा मारेंगे, गालियां देंगे, धक्के देंगे या मेरे बालों से पकड़ के घसीटेंगे, मुझे नहीं पता, जहां मर्जी से रोटी ला के दे। जब घर आए मेरा सीना यूं करके अल्लाह अकबर कांपने लगा और आपने यूं करके मुझे देखा। मेरी आंखें तो बंद, ऊपर चादर थी, डर के मारे मेरा जिस्म कांप रहा था। मुझे देख के हुजूर ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। खामोश, अपनी बेबसी के साथ बिस्तर पे लेट गए, दाई तरफ की करवट बदली, बाही के साथ अपना पेट अच्छी तरह चिपका लिया, जोर जोर से झटके देने लग गए। फिर उठ के बैठे, फिर अपने हाथों की मरोड़ी बना के पेट को दबा दिया, फिर बाई करवट लेट गए। चरपाई की बाई पाई बाई थी, उसे अपने पेट के साथ लगा के रोना शुरू कर दिया। कब मेरे से बर्दाश्त न हुआ, हाय पता नहीं क्या हुआ, आज से पहले मैंने मुसल्ले पे रोते देखा, बिस्तर पर तो आज तक रोते ना देखा। कब उठ के बैठे, अपने पेट पर अपने यू हाथ बांधे, दबा दबा के रोने लग गए। कब फिर मेरी बस हो गई, मैंने चादर उतार के परे फेंकी, छलांग मार के मैं उनके कदमों में आके बैठ गई। मैंने कहा माँ बाप कुर्बान हो, किसने सताया, किसने गाली दी, मुझे बताओ, मैं अपने अब्बा को भेजो, किसी ने पत्थर मारा बताओ अपने भाई को भेजो। फरमाया आज मुझे किसी ने कुछ ना कहा, तुझे पता है आज भूख की वजह से मैं मोहम्मद को नींद को ही नहीं आ रही है। खुदा की कसम तस्बीह के दानों पर, उंगलियों के पोरों पर जितनी खुदा की नेमतें खाने में पीने में आज शुमार की, अल्लाह की कसम थक जाओगे गिन नहीं सकते। ये हालात देखकर, ये मंजर देखकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर आयशा पाक के उजरे में आ गए। कहा या रसूलल्लाह जल्दी करो, आपका यह तड़पना आसमान वालों से भी बर्दाश्त कोई नहीं हो रहा है। मुंह खोले उधर हुआ क्यों, जन्नत से कीमती जो लाभ है दहन है इसको निकालिए और थूक दे जमीन पर। आपने फरमाया इससे क्या होगा, महबूबा जहां जहां तेरे थूक के छींटे पड़ेंगे अल्लाह उस जमीन के टुकड़े को सोने चांदी की बना देगा। आओ, दुनिया क्या समझती है, तुझे भूखा हम छोड़ा सो पी होती अलब यजिद का यती मलफावा, और पीछे वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला। ये मारा आपको मार रहे हैं, इसका मतलब तेरे रब ने तुझे छोड़ दिया, गिन गिन के बदले लूंगा इनकी औलादों से, तड़पा तड़पा के मारूंगा, जमीन भी ने जगह नहीं देगी, मोहम्मद तेरे दुश्मन का मुकाबला मैं करूंगा। शाने मुस्तफा के नारे लगाते रहना, गुस्ताखे मुस्तफा न बनना। रब्बे अकबर की कसम, ये जमीन भी तेरे मेरे वजूद को कबूल नहीं करेगी, कब्र का कीड़ा भी आपसे मेरे से नफरत करने लग जाएगा। या अल्लाह गुस्ताखे रसूल न बना, हमें हमारी नस्लों को कयामत के तक आज के रसूल बना दा। या अल्लाह आज के रसूल बना, इतना इश्क अता फरमा, कब्र के अंदर जाए तब भी खत्मे नबुव्वत जिंदा बहा दो, कब्र से उठकर मैदान मासर में जाए तभी जुबी जुबान पर खत्मे नबुव्वत जिंदा बहा दो। क्या करूं, का थूक दो, क्या होगा, का जमीन सोने की बनेगी, उठाते रहो बेचते रहो खाते रहो। रहमत वाले नबी मुंह मोड़ के बैठ गए, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, का मैं तो थूकूंगा जमीन सोने की बन गई, मेरा तो गुजारा हो जाएगा,
बता बता अल्लाह अकबर। बाद में आने वाले गरीबों के क्या थूक में ऐसी बरकत होगी? गरीब जब अपनी गरीबी पे रोएगा क्या उसके साथ ये मामला होगा? कन्हैया रसूलल्लाह फरमाया फिर आज खा के नहीं फाकों में सजदे करके दिखाऊंगा, अगर मेरी उम्मत के गरीबों तुम्हारे पर हालात आ जाए गले नहीं काटा करते, खुदा को सबर करके दिखाया करते।